कभी ये नहाया नहीं है, नहाना भी है कि जो भी सो रहा है शांति से दारू पी रखी है। दारू है वो दारू पी रखी है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे आप सब लोग। तो आज है 7 जनवरी, आज 7 जनवरी है ना भाई। तो आज 7 जनवरी है तो मैं सीधा खेत में आ गया हूँ। तो भाई लोग लगे हुए हैं, हमने एक खंजूर ये कटवानी थी तो भाई वो लगे हैं। चलो देखते हैं, एक दो और तीसरी तो भाई ने 5 मिनट में काट भी दी है, तो अब सेकंड वाली गिरने वाली है। तो गिरने वाली है बस 5-10, थोड़ी सी बजेगी इसको। अब गई गाइस, तो गाइस अभी हम घर से पौड़ी लेके आए हैं। नहीं ना, पौड़ी लेके आए हैं तो भाई, तो अभी हमने इसको काटना शुरू करना है। आराम से चल, दो भी हो गया काम खत्म। तो गाइस अभी हमने इनको काट दिया है, तो आज बहुत ही तेज हवा चल रही है और ठंडी ठंडी हवा है। मतलब ना आज ज़्यादा ठंडी नहीं है, मतलब इतनी ठंड नहीं है आज। तो हमने इनको काट दिया है और यहाँ से एक 3 पेड़ हमारे फ्री हो गए। इनका काटने का बस एक ही कारण था कि हमारा यहाँ पे छोरा होता था, तो हम इनको काट के अब खेत बनाएंगे इसके। हमने लिए 1 पेड़ लगा रखे हैं बाबा, अब इनको थोड़ी देर बाद क्लियर कर देंगे। तो अभी गाय सूख जाएगी, थोड़े दिन बाद सूख जाएगी, तो यहाँ से इधर से आने में रास्ता बन गया है। और हम इधर पहुंच भी गए। तो गाइस अभी बहुत ही तेजी से मतलब हवा चल रही है, बहुत तेज हवा, और बारिश भी चल रही है साथ साथ में। तो मैंने पापा को तो थोड़ी देर पहले ही भेज दिया कि अब चले जाओ घर को, तो मैं और बाबा यहाँ पे बैठे हैं। और ये भी गिरने का डर लग रहा हमें, क्योंकि हवा आज बहुत ज़्यादा तेज है, ऐसी हवा पहले नहीं चली यहाँ। और इधर भी, और अब यहाँ पे अभी ठंड लग रही है, आग तो हम हवा में नहीं जगा सकते क्योंकि इधर उधर अगर चली गई तो आग लग सकती है, और ठंड भी काफ़ी है। तो अभी हम आग जगा लेते हैं। बाबा आपके पास तीलों की डब्बी है, तो कैसे जगाएंगे यार? पंगा हो गया, तीलों की डब्बी तो नहीं है किसी के पास, ना माचिस है ना, मतलब तीलों की डब्बी उसको कहते हैं हम, तो माचिस को कहते हैं हम तीलों की डब्बी। तो ना लाइटर है ना है हमारे पास माचिस, अब आग कैसे जलाएगी बाबा? कहाँ जलेगा, अब नहीं जलेगा यार, कैंसिल हो गया, ठंड बहुत लग रही है। तो 12:30-1 बजे घर चला जाऊँगा मैं भी, फिर आऊँगा 2 बजे। तिलने का ना उधर माचिस, ठीक है बाबा माचिस मांग रहे, तो माचिस लेके आनी पड़ेगी भाई। गाइस अभी अभी हमें मिल चुका है लाइटर, पापा यहीं पर छोड़ गए थे, पापा को पता है कि अगर पीछे से ठंड होगी तो इनको कैसे जगाएंगे, तो पापा ने पहले रख दिया था। तो थैंक्स गॉड, पापा का भी थैंक्स। तो अब यहाँ पे जगाते हैं अब आग और छेकते हैं, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही है। और बाबा यहाँ पे थोड़ा बहुत देख रहे हैं, कागज़ वगैरह पड़ा होगा, तो लगाते हैं आग फिर। और लकड़ियों का इंतजाम हमने पहले कर रखा है, और ये हमारा देसी भूखना ऐसे तो है, शावर है मतलब पौधों को पानी देने के लिए, बड़े में इसमें से फूक मार के इसको, इससे काम चलाता हूँ। चलो अब जगाते हैं काम। नहीं बाबा ये नहीं लगाना, वहाँ से कागज ले लो ना, यहाँ पे अखबार वगैरह पड़ा होगा, देखो उसमें गाइस पहले आग जगाने से पहले हमने पानी रखा हुआ है, क्योंकि आग लगने का डर रहता है, तो यहाँ पे हमने इसमें पानी रखा हुआ है। काम पूरा हम पक्का करते हैं। तो बाबा अब कर रहे हैं इधर, तो गाइस अभी हमने कोशिश तो की है आग लगाने की, देखो लगती है या नहीं। तो आई थिंक आग तो लगी है, बाबा इसके ऊपर दो ना ऐसे। तो गाइस अभी बारिश बहुत ज़्यादा तेज लग रही है, तो आपको साउंड से भी पता लग रहा होगा, अभी तो हवा के साथ कम हो गई है देखो, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी हमने आग सेकने के लिए जगा लिया है, और पूरा मज़ा आ रहा है। जैसे अगर कहीं हिमाचल में जाएं तो वहाँ पे ठंड में आग वगैरह सेकनी पड़ती है, तो ऐसा ही माहौल बन जाता है वैसे भी। तो वहाँ यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा मतलब लग रहा है, क्योंकि कोई भी मोमेंट हो उसे एंजॉय करना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे बैठ के इसको एंजॉय करेंगे, तो देखते हैं अब घर
कब जा सकता हूँ क्योंकि बारिश लगी हुई है इतनी तेज, तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, जब बारिश रुकेगी तभी जाएंगे घर को। तो गाइज़ अभी मैं घर जा रहा हूँ, तो बारिश हटी है अभी थोड़ी सी, तो चलते हैं घर और लंच वगैरह करके आते हैं और बानिक से भी मिलते हैं। और मौसम अभी भी थोड़ा बहुत गड़बड़ है, आगे फिर बैठते हैं यहाँ पे, क्योंकि कस्टमर कभी भी आ सकते हैं, उनका कुछ पता नहीं होता क्योंकि बारिश में अच्छे से बोलते हैं, तो गाइज़ अभी खेत में आ चुके हैं फिर से। खाना खा के बाबा ने फ़ोन, बाबा का फ़ोन आ गया था कि कस्टमर आए हुए हैं, तो अभी फिर से कस्टमर आ गए हैं, तो आग सेक रहे हैं। चलो मिलते हैं फिर आगे आपको। तो यो लकड़ी में मिट्टी थी ना वो गर्म है, और इसको पानी में फेंकने से अच्छा ऐसी साउंड आ रही है। इतनी देर अभी तक ठंडा नहीं होगा। तो गाइज़ अभी मैं खेत से आ गया हूँ, तो बहुत टाइम मैं खेत में बैठा रहा, तो 6:30 आई थिंक मैं और बाबा खेत को आ गए थे, बाबा अपने घर को चले गए, मींस बाबा यहाँ पे बिहार से हैं तो वो रेंट पे रहते हैं। तो अभी हमारा वानिक सो रहा था, तो चलो फिर मिलते हैं वानिक से। तो हमारा अभी मोटू सो रहा है मस्ती में, दर्द पी रखी है इसने, तो देखते हैं कब उठता है भाई। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद उठ जाएगा, फिर इसकी उएं स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम आ चुके हैं किचन में, दही का तुड़का लग चुका है जिसको हम खैरुआ कहते हैं। तो इधर बन चुकी है अब मक्की की रोटी, पापा ने मक्की की रोटी खानी है, क्योंकि पापा दही का तुड़का लगा दो तो मक्की की रोटी चूर के खाते हैं। तो साथ में बनी हुई है आलू भाजी, तो चलो खाना खाते हैं हम। तो गाइस अभी बज चुके हैं 9, तो इसको मैंने बाहर निकाला है, निकालता हूँ तो मैं इसको रोज हूँ, बट अभी इसको साथ खेलने के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि बाहर कम निकालता हूँ, क्योंकि अभी बानिक है ना घर पे, तो इसको बाहर नहीं निकालता, इसको एक रूम दिया हुआ पूरा, तो उसको इसको उसमें रखता हूँ। तो अभी इसने इसको मैंने दूध दिया है, तो दूध तो पी लिया है कल, इसको अभी बारिश चल रही है तो 3-4 दिन बाद इसको मेरे को नहलाना भी पड़ेगा, तो अभी मेरे को बोल रहा है कि नीचे छोड़ दे, और कैमरे पर चढ़ रहा है पूरा। चले फिर, चलो फिर। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो कैसे आप सब लोग। तो अभी आ है 8 जनवरी, तो अभी मैं हूँ खेत में, तो बारिश लग रही है, तो खेत में पानी भरा हुआ है, और मैं और ननू खेत आए थे, और बाबा भी पानी निकाल रहा है, हम भी, और मैंने अभी तक ना तो ब्रश किया है ना नहाया हूँ, सीधा ही खेत को आ गया, क्योंकि पानी आज बार खा, मतलब रात की इतनी ज़्यादा, और अंधेर, मतलब हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो देखते हैं क्या होता है। अभी बादल और रखे हैं, ये देखो बादल दिख रहा होगा आपको, ये अभी और बरखा, मतलब बारिश हो सकती है, तो देखते हैं। और पानी, खेत पूरा बिल्कुल भीग चुका है, और चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, और सुबह सुबह पहले इधर आया हूँ ताकि खेत की सिचुएशन देख लूँ, उसके बाद खाना वगैरह जाके घर खाऊँगा। तो अभी बाबा वहाँ से पानी निकाल रहे हैं, जब तक हम इधर देख लेते हैं क्या क्या है, कौन कौन सा पानी है, और देख सकते हो हालत, ये हालत खेत की। और ये मैंने ये छत बनाई थी, इस पे ऊपर पानी खड़ गया है, तो बिल्कुल जो हवा चली थी ना उसके साथ ये तो गिर गया एक साइड, गीले होने के नीचे ये भी है, इधर को हो गया, झुक गया है, और यहाँ पे पानी इसमें अभी नन्नू ने निकाल दिया, और जो भी हमने इस पे ग्रीन नेट दिया था वो भी हमने उठा दिया, क्योंकि हवा के साथ ये भी गिरने वाला था, तो यहाँ पे नेट हमने सारा नीचे रख दिया है। और बहुत ठंड लग रही है यार, पानी बहुत ठंडा है। तो गाइस पानी वगैरह खेत का सारा निकाल दिया है, और ये यहाँ से पानी आ रहा है, अब ये पूरे खेत का पानी आ रहा है। मैंने लिफाफा यहाँ पे रुका हुआ था पानी, तो साइड किया है, बाबा उधर निकाल रहे हैं, मैंने उधर निकाल के अभी आया हूँ वहाँ से, तो ये सारा पानी इस चैनल से और इस चैनल से आ रहा है, आता हुआ यहाँ पे ये आ रहा है यहाँ पे। और अभी धूप निकलने वाली है, शुक्र है तेरा भगवान, 3-4 दिन बाद धूप निकलने वाली है, तो बहुत ही अच्छा मौसम। जो बादल था ना काले वाला जो इधर को चला गया, तो उधर पहाड़ियाँ वगैरह बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं बिल्कुल, तो जो प्रदूषण वगैरह था वो भी हट गया, तो उधर भी पहाड़ साफ नज़र आ रहे हैं इस साइड भी। और यहाँ पे हमारे इस साइड पे पड़ता है धर्मशाला, और जब बर्फ़ पड़ती है ना वहाँ पे, तो हमें दिखाई देता वो भी,
तो गाइस अभी मैं घर आ गया हूँ, तो हाथ मुंह मैंने धो लिया है, पैर भी, और पजामा वगैरह भी चेंज किया क्योंकि पजामे को मिट्टी वगैरह लगी थी। तो अभी लाइट नहीं है तो आके शाम को नहाएंगे। तो इधर बन रहे हैं आज आलू के परौंठे। तो अभी ये हमारा बन चुका है आलू का पेस्ट। मम्मी क्या क्या पाए थे? प्याज, हरा धनिया, गरम मसाला पाया, जवैन। जवैन पहला परौंठा बन गया अपना। आपा पांच परौंठे खा गए खेतों ने। कोई जाना मम्मी देसी घी लाना का दूसरा ही देसी घी जो तय कहना देसी लाओ। तो आज वानी के कपड़े निकल गए हैं बाहर सूखने के लिए। तो अभी परौंठे खाते हैं, सुबह चलते हैं घर। तो अभी ये नहाया नहीं है, अभी नहाना भी है इसने, तो अभी सो रहा है बिल्कुल शांति से। डाडू पी रखी है, डाडू है वे, डाडू पी रखी है। मुँह ऐसे लग रहा है जैसे पिलड़ी होती है। और धूप निकली है, हमने गुड्डू अपना कर दिया पिंजरे में बंद। तो इधर चिड़िया वगैरह बैठी हुई हैं, कितनी अच्छी साउंड आ रही है इसकी। तो गाइस अभी बन चुके हैं परौंठे, चलो मैं धूप सेक रहा थोड़ी। मम्मी ने बोला कि परौंठे बन गए हैं तो खाते हैं अब। तो रजाई को भी धूप निकलने के लिए बाहर रखा हुआ मम्मी ने। अपने परौंठे लेते हैं फिर चलते हैं खेत को। तो गाइस परौंठे बन गए, साथ में मैं ले लिया सॉस मीठे वाली। तो ये मेरे को आदत डाली पता किसने? सौरभ भैया ने, क्योंकि सौरभ भैया के जब भी जाता था, सौरभ भैया और मैं जब भी परौंठे खाने ना साथ में सॉस लेनी है, तो आदत पड़ गई मेरे को। तो गाइस अभी खेत में आ गया हूँ, तो अभी इधर पानी भरा हुआ, उधर उस साइड निकल गया कि इस साइड थोड़ी ये जो चैनल वगैरह नालियाँ वगैरह थोड़ी ऊंची है तो निकल नहीं पाएगा। तो बाबा वहाँ से डब्बा लेके निकाल रहे हैं। और मौसम देख सकते हो आप, सारा साफ हो गया पूरा, और इधर अभी बादल हैं। चलो अभी मैंने करनी है स्प्रे, तो स्प्रे करके देखते हैं फिर क्या होता है, ये पानी वगैरह निकलेगा अब इसका पूरा। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे ना झाड़ू वगैरह लगा रहा था, क्योंकि पत्ते वगैरह यहाँ पे बहुत सारे पत्ते उगे रखे हैं। तो अभी पीछे देख सकते हो मेरे कितना काला बादल आ रखा, आज लगता है फिर से होगी बारिश, बहुत काला बादल हो रखा है, ईस्ट साइड से आया है। देखते हैं अब क्या होता है, जब तक मैं इसको लगाता रहूँगा थोड़ा बहुत होगा क्लीन, थोड़ा हो गया है ऐसे करते करते ये रह गया है, बट हवा चल रही है उसके कारण फिर से पत्ते इधर को आ रहे हैं। तो मैं जो यहाँ पे इकट्ठे किए हुए थे उसको डाल के उसमें साफ़ कर दूँगा जल्दी जल्दी, जितने हो सके उतना ही कर दूँगा। तो गाइस अभी सीन देख सकते हो कैसा हो रहा है, काले बादल, धूप निकली हुई है, और मैंने ये बिल्कुल साफ़ कर दिया, थोड़े बहुत हवा से उधर चले गए, तो मैंने ये अभी तक ये कर लिया है, इतना साफ़ हो गया है। क्यारे उसके बाद क्यारे में से जो पड़े हुए हैं, और हाथ देख सको गंदे हो रखे हैं मेरे, क्यारे में से जो भी पत्ते हैं एक एक करके चुग लूँगा मैं पूरे। मौसम देख के आपको आनंद आ रहा है या नहीं बता सकते हो कमेंट में। चलो इसको फिनिश करते हैं, उधर से भी मैंने लगा दिया क्योंकि सेंटर पे यहाँ ना इसको चढ़ाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो फिनिश कर दूँगा आज मैं। तो गाइस अभी मैंने झाड़ू वगैरह लगा के हटा था, और उसी टाइम बारिश लग चुकी है, और बारिश इस तरह पड़ रही है, और कल पड़ रही थी इस तरह, तो आज डायरेक्शन चेंज हो गई है, बट बारिश चेंज नहीं हुई, बहुत ज़्यादा बादल हो रखा था। उधर धूप निकली हुई है, इधर बारिश लग रही है, उधर अंधेरा हो रखा पूरा पूरा उस साइड। बाबा और मैं बैठ गए हैं, अभी देखते हैं फिर कब रुक गया। तो गाइस अभी मैं घर आया था, तो मम्मी ने मीठी सेवी बनाई थी, तो अभी मैंने तो खा लिया है, तो अभी मम्मी खा रहे हैं, मम्मी ने भी खा लिया आई थिंक, थोड़ी सी बची हैं।
तो इधर बन रही है चाय, तो चलते हैं हम खेत में क्योंकि बारिश भी लगी हुई है। थोड़ी थोड़ी जैकेट डाल लेते हैं, तो बाबा को भी उनका मतलब चाय देनी है पीने के लिए, तो आज जैकेट ले लेते हैं साथ में। बारिश लग रही है बाहर, आपको दिख रही होगी, तो चलो अब चलते हैं। और कभी एकदम से ज़्यादा लग रही है बारिश, कभी कम हो रही है, बट ठंड हो चुकी है। और मैं साथ में अपना JBL ले लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बोर हो जाते हैं, तो वहाँ पे बैठ के गाने वगैरह सुनेंगे। गाइस भीगता तो मैं आ गया हूँ, मेरी पूरी जैकेट भी और मेरा पूरा पजामा भी भीग चुका है, क्योंकि अभी बारिश बहुत ज़्यादा लग रही है। मतलब जैसे बाइक पे आता हूँ ना मैं, वैसे ज़्यादा हो रखी थी, अभी थोड़ी सी धीमी हो चुकी है। तो मैंने अब बाबा को भेज दिया है कि आप चले जाएं घर, तो मैं भी चलता हूं, क्योंकि बारिश में यहां पे ठंडी ज़्यादा हवा चल रही है बारिश में, तो यहां पे बैठा नहीं जा रहा। तो आज हमने आग भी नहीं लगाई है, तो मेरे को अब पजामा और जैकेट दोनों जाके चेंज करने पड़ेंगे। तो गाइस खेत से आके मैंने जैकेट भी और ये टांग दी हुई है और पजामा भी चेंज कर लिया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीगी थी और ठंड भी हो रही है। तो अभी हम बैठते हैं अपनी यहाँ पे रजाई में और देखते हैं थोड़ी बहुत मूवी। चलो तो अभी हम लगा रहे हैं इधर तुड़का, दाल को, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च और लहसुन डाला हुआ है। और ये रही दाल, इनकी दाल है मोठ, कौन सी पता नहीं कौन कौन सी दाल है मिक्स करी हुई है। तो चलो हम इसको अच्छे से लगा देते हैं। तो गाइस अभी दाल को तुड़का लग गया है, तो मम्मी बना रहे हैं रोटी, तब तक मैं बनाता हूँ अपने लिए पनीर की भुर्जी। बनानी है मैंने, गैस मैंने रख ली है यहाँ पे, तो अब बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने पहले ही बनाई हुई है। तो बना के खाते हैं रोटी। तो ये रहा मम्मी के हाथ का गोल गरम गरम फुल्का। तो गाइस एक और बात, तो मेरा फ्रेंड है और मेरे फूफड़ जी के दोस्त का बेटा है रवि, उसने ब्लॉगिंग चैनल उसने भी स्टार्ट किया है, उसका पहले भी एक चैनल था, तो उसने मेरी हेल्प की थी, तो मैं भी उसकी हेल्प करूंगा। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, उसने फर्स्ट ब्लॉग बनाया था आई थिंक कल या परसों, तो सभी जाके यार प्लीज़ देखना और बताना कि उसका ब्लॉग कैसे लगता है। तो उसका एक और चैनल है, उसका उसी चैनल में आपको मिल जाएगा, वो भी देख लेना आप पिछला, क्योंकि वो फाइनेंस और टेक्निकल वीडियो बनाता है, तो उस पर जाके आप देख। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी ठंड भी हो रखी है, खाना खाते हैं और जल्दी से सो जाएंगे। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सो बाय बाय।